सर, मैं आपके माध्यम से मोहल्ला प्रेसिडेंट बिट्टू, मैं आप तक ये मैं आप आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस समय बरसात का दौर चल रहा है और साथ में कोविड-19 भी, लेकिन ये जो जम्मू म्यूनसिपल इलेक्शन के कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन हुए हैं, क्या इनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि इस समय हमारे एरिया में साफ़ सफाई हो, सफाई कर्मचारी आए, नालियां निकाले, गंद निकाले, इतने इतने लंबे कीड़े हमारे घर के अंदर जा रहे हैं, उससे इतनी परेशानी आ रही है कि बीमार भी, मेरे घर में खुद दो आदमी बीमार हैं। अब क्या होगा, किसी को बुखार होगा तो फिर उसको पॉजिटिव घोषित किया जाएगा क्या? पॉजिटिव का वो चक्कर चल रहा है क्या? ये मैं भी मीडिया के माध्यम से पहचाना जाता हूँ कि अगर किसी को फीवर होगा तब भी वो, तो क्यों ना ये नालियाँ साफ़ सफाई करें? जब से जम्मू म्यूनसिपलिटी बनी है तो इसमें इनका योगदान तो होना चाहिए ना। ये नहीं कि जीते और अपने घर में बैठे, अपने एरिया देखा, ये भी तो यहाँ भी तो इंसान रहते हैं। हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर भी आके देखे कि क्या क्या प्रॉब्लम है। इस एरिया में बाढ़ आती है, अभी जो पानी आया था इसी एरिया में आया था, ऊंचाई वाले एरिया में तो आया नहीं, लेकिन कोई यहाँ पे कोई सुध-बुध लेने नहीं आया। इसलिए हम जम्मू म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन और आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं एलजी साहब को कि इंसान का ध्यान रखेंगे तो आपको अगली बार वोट देगा कोई, लेकिन वरना नहीं, इंसान बीमार होगा ना, इस बार ऐसी होगी कि आगे वोट की चोट होगी। क्यों? अगर किसी ने आगे बढ़ना है तो काम करके देना पड़ेगा, क्योंकि अगले 5 साल की तैयारी होती है। लेकिन यहाँ पे जब एक बार कोई जीतता है तो कोई आता ही नहीं दोबारा, क्योंकि नालियाँ गलियाँ साफ़ सफाई पता नहीं क्या परेशानी है, क्योंकि ये चीज़ हमारे बच्चों के हित में होती है कि अगर कोई बरसात है, अगर कहीं पानी आ रहा है, गंद आ रहा है, नालियों का गंद आ रहा है, तो वो हमारे बच्चों पर असर पड़ रहा है, वो साथ में कोविड-19 भी है। हमारी यही गुजारिश होगी कि यहाँ की नालियों की गली साफ, नालियों की साफ़ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना है। अगर ना बना होता तो चलो हम कहते, लेकिन अब हम किसके पास जाएं? या तो मेयर जी के पास जाएं या कॉरपोरेटर के पास जाएं, लेकिन हम जाते हैं लेकिन उन तक बात ही पहुँचाती है। पिछले दिनों भी हमने आपके माध्यम से उन तक बात पहुँचाई थी, लेकिन वो आई नहीं, क्या किया जाए? शुक्रिया। वही जो बात इन्होंने बोली है वही बात है, वो भी मैं ही दोहरा रही हूँ दोबारा फिर, कि यहाँ अगर हमने किया है, आए मीडिया वाले, उन्होंने बनाई, आगे भेजा भी, मगर इधर जहाँ कोई पता लेने नहीं आया, किसी ने पूछा भी नहीं है, खुद ही हम लग के सफाइयाँ करते हैं, खूब काम करते हैं, इधर करने वाला कोई नहीं आता। अब हमें बताएं कि क्या करना चाहिए। कॉर्पोरेटर साहब ने कितने बार चक्कर मारा ना, कोई नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया इधर। हाँ, देखिए जम्मू शहर में बहुत से नाले थे, हम पिछले 50 साल से मैं भी देख रहा हूँ, गली गली में पानी जाता था। जहाँ जहाँ हमारे काम हो गए हैं, नए नाले बन गए हैं, चाहे ईराना बनाए हैं, चाहे हमारे अमृत में बने हैं, बहुत से नाले, मेन प्रॉब्लम थी कृष्ण नगर की, वो नाला बन गया सीधा यूनिवर्सिटी से हमने निकाला, उसकी समस्या हल हो गई। और बहुत से नाले भक्ति नगर में बन गए हैं, कहीं कनेक्टिविटी रह गई है, वो भी ख़त्म हो जाएगी आने वाले समय में। लेकिन ये जो गांधीनगर की तरफ त्रिकुटा नगर या छन्नी डीली वगैरह गंग्याल में ये जो पानी आया है, ये बरसात का पानी नहीं आया, ये ऊपर बदल फट गया है, जगदम ही ये सैलाब आ गया, और उसके कारण ये नाले में नहीं गया है, जहाँ जहाँ से गया वहाँ वहाँ इसने नाले बना लिए, लोगों के घरों के अंदर चला गया है जी। ये आफत आई है, तो इस आफत से निपटने के लिए जो हमारे पास प्रयास था, वो हमारी पूरी टीम, ट्रांसपोर्ट विंग हमारा उसी वक्त से लगा हुआ है, और भी हमारा सारा स्टाफ हेल्थ एंड सैनिटेशन का लगा हुआ है, यही सिस्टम को ठीक करने के लिए हम लोग लगे हैं। मैंने कहा है कम से कम अगर सारे सिस्टम को ठीक करना है, जम्मू शहर के नाले, बहुत से नाले कच्चे हैं, बहुत से नाले, उनको पक्का करने के लिए और हमें 1,000 करोड़ रुपया चाहिए। हमने गवर्नमेंट से, एलजी साहब से सबसे प्रार्थना की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, होम मिनिस्टर से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी, कि जम्मू के लिए उनका बड़ा फोकस है, कम से कम सारे सिस्टम को, सारे ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए हम इसकी प्लानिंग भी, कंसल्टेंट भी हायर करेंगे, सारे सिस्टम को ठीक करेंगे, आने वाले समय में पूरा प्रयास करेंगे कि लोगों के घरों में पानी ना जाए।